मेरा नाम निशिता राणा है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है साउथ कैंपस से। मैं अपना काम शुरू करना चाहती थी, मेरे पास ज़्यादा फाइनेंस नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये स्टॉल लगा के अपना काम शुरू करूँ। तो मैंने ये स्टॉल लगा के अपना कुछ थोड़े से पैसों से काम शुरू किया है, जिसमें मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ, जैसे कि आमलेट, एग भुर्जी, मैगी, और लंच भी मैं घर से बना के लाती हूँ, क्योंकि जगह स्पेस कम है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये स्टॉल है एक छोटा सा, तो कम पैसों में मैंने ये स्टॉल स्टार्ट करने की कोशिश की। और मैं इसमें पूरा ध्यान रखती हूँ कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो, हाइजीनिक रहे, और मेरा खाना सबको पसंद आए। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये स्टॉल से मैं उन कस्टमरों को जो कम पैसों में अपना खाना खाना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, उन्हें वो प्रॉपर प्रोवाइड करवा सकूँ। और हाइजीनिक का भी पूरा ध्यान रखती हूँ, और जो भी हम काम करते हैं बड़ा बिल्कुल हाइजीनिक के साथ करते हैं, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो बटर हो, प्रॉपर मैं सही ढंग से यूज़ करती हूँ, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं हम। तो घर में क्या बना के लाते हैं? हम यहाँ पे लंच बना के लाते हैं घर से, जिसमें राजमा होते हैं, चावल होते हैं, बट हम रोटी यहीं पे बनाते हैं, जिससे कि हम कस्टमर को गरम गरम सर्व कर सकें और उनको कोई भी चीज़ ठंडी ना मिले। आपके पास किस तरह के कस्टमर आते हैं? हर तरह के आते हैं, छोटे लेवल से लेकर ऑफिस लेवल तक, और यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं उनके कस्टमर भी आते हैं, जो ऑफिस में हाई लेवल पे भी करते हैं वो भी आते हैं, हर तरह के कस्टमर्स आते हैं। तो आप ये जो ब्रेकफास्ट है या लंच है कितने पैसे में प्रोवाइड कर लेते हैं? ब्रेकफास्ट मिनिमम 30-40 रुपीज़ में हो जाता है, और लंच भी इतने में ही हो जाता है, 50 रुपीज़ मैक्सिमम लगते हैं। और लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा घी या कौन सा तेल? मैं अमूल बटर यूज़ करती हूँ, फॉर्च्यून का तेल यूज़ करती हूँ, जिससे कि उनका कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो सके, कोई आम ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। और जो लोग आपके कस्टमर बन गए हैं, जो रेगुलर खा रहे हैं, उनकी क्या राय है इसके बारे में? अभी तक तो किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, और सब बहुत खुश हैं, चाहते हैं कि स्टॉल आगे कंटिन्यू रहे। उन्होंने अभी तक तो यही रिक्वेस्ट की है, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ कस्टमर आए हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर तो आप हमसे हेल्प भी ले सकते हैं। इसमें वो अभी तक सेटिस्फेक्शन मैंने अपनी तरफ से पूरी दी है, आई थिंक सारे कस्टमर सेटिस्फाइड भी हैं। आजकल जिस तरीके से वैन वगैरह लोग लगा लेते हैं या ठेला लगा लेते हैं, आपने ये ना करके एक स्टॉल लगाया है, इसके पीछे क्या कारण है? स्टॉल इसलिए लगाया है, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे न्यू स्टार्टअप करना था, न्यू स्टार्टअप के लिए मेरे पास फाइनेंस जितना था उस हिसाब से मुझे स्टॉल ही बेटर चीज़ लगी। कि एक क्योंकि कोई भी काम शुरू करने के लिए आई थिंक कोई जगह या वो मायने नहीं रखता कि आप किस तरह से, सिर्फ ये मायने रखता है कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं।